भाषण करने का दिन नहीं है। आज हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम लोग आपस में मशवरा करें कि शहर किस हाल में है और कहाँ जा रहा है। आज 75 साल लगभग हो गया अमृत महोत्सव लोग मना चुके हैं, मगर हमारी खस्ता हालत यह है कि सड़क से, गटर से, पानी से, हेल्थ केयर से, एजुकेशन से, सब जगह से हम लोग फेल चल रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? भिवंडी के बेस्तर लीडर या पॉलिटिशियन बोलो तो ये वेस्ट से आए हैं, फिर भी वेस्ट की इतनी बुरी हाल क्यों, क्यों इतनी बुरी हाल है? भिवंडी का बेस्तर रेवेन्यू माना सरकार को जाता है, चाहे सेंट्रल में जाता है, चाहे स्टेट में जाता है, फिर भी यहाँ तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे? जूने भिवंडी की पोजीशन में आज भिवंडी पड़ा हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन में आपको बता दें कि 26,000 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसमें 17,000 मुस्लिम बच्चे हैं। एजुकेशन नाम की चीज नहीं है, क्या वजह है? टॉयलेट नहीं है, बाथरूम की हालत खराब है, टीचर्स का तो यह हाल है कि भिवंडी के टीचर्स पढ़े हुए हैं, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से टीचर रिक्रूट होते हैं और वो लोग साल भर बाद ट्रांसफर ले लेते हैं, जिला बदली, वो भी बहुत बड़ा स्कैम है। बीच में आप लोग सुने होंगे जिला बदली चल रही है, तो यहाँ लोग ज्वाइनिंग करते हैं और ट्रांसफर ले लेते हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ गया? कोविड, कोविड में अमीरों के बच्चे तो पढ़ लिए, लैपटॉप मोबाइल और सब लेके पढ़ लिए, मगर म्यूनसिपैलिटी के बच्चे ना उनके पास मोबाइल था ना कुछ था, कौन उनका 2 साल देगा? भिवंडी भिवंडी मनपा, भिवंडी कॉरपोरेशन 8 से 10 करोड़ रुपए हर साल एजुकेशन से इसके नाम पे रिकवर करती है। क्या उसका हक नहीं था कि इन बच्चों को मोबाइल दे दे? एक साल के एजुकेशन सेस नहीं वो दे सकती थी, मगर उसने वो भी नहीं दिया। बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी एक चीज है जो शहर में आज लोग हम लोग कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल है वो हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट लोग टीचर्स का इन्वेस्टमेंट करें और वो एक संस्था और संगठन के नाम पे चले। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो बदलाव आएगा। एजुकेशन में यही हाल रहा तो बहुत बुरा हाल रहेगा, हम लोग को आगे बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी बात हेल्थ केयर में आ जाता हूँ। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 17 है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो होता है जो डिस्पेंसरी बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जैसा, उसमें आईवी फ्लूइड लगता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, जो उसका रूल है, वैक्सीनेशन है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो 9 महीने तक उनका रजिस्ट्रेशन होता है, सारी चीज़ होती है। किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में ये काम होता है? नहीं होता। तो कब होगा ये सब काम और क्यों होगा? एक हॉस्पिटल की जरूरत भिवंडी में है, अगर ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अगर प्रॉपर वर्क करेंगे तो इंदिरा गांधी 17 हेल्थ केयर सेंटर की जगह ये 35 होना चाहिए था। तो लोड नहीं होता, लोग सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, हर चीज के लिए जाते हैं। एक हॉस्पिटल हमारा इंदिरा गांधी है, वहाँ 100 बेड है और 200 बेड की जरूरत है। हो गया। तो जाहिर सी बात है स्टाफ 100 बेड का है, तो स्टाफ पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए रोज प्रॉब्लम हो रही है। वेस्ट में भी आज तक एक हॉस्पिटल नहीं बन पाया, कॉरपोरेशन को एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। हॉस्पिटल का मामला अगर नहीं बढ़ेगा तो मामला बढ़ते चले जाएंगे। फिर मैं आता हूँ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, बच्चों को कुपोषण हो रहा है, स्लम इलाकों में खाने का नहीं मिल रहा बराबर। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी 200 आंगनवाड़ी है, 200 उनका आंगनवाड़ी का काम रहता है, आंगनवाड़ी वर्कर रहते हैं, वो ले जाते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर उनको पौष्टिक आहार देते हैं, खिचड़ी आती है, चना मूंग दाल एक्सेट्रा सब सारी चीजें आती है, 8 पैकेट आती है, वो भी नहीं पहुंच रहा है। रोड रस्ते की हालात आप लोग देख ही रहे हैं, ड्रेनेज नाम की चीज है नहीं शहर में, प्लेग्राउंड तो 20 साल में बने ही नहीं है, पानी की ये पोजिशन बताऊं कि भिवंडी में यहाँ पर तो ज्यादातर वराल देवी का पानी आता है जो कि रॉ वाटर, और भिवंडी के अंदर एक स्टेम करके ट्रीटमेंट प्लांट है जो पानी फिल्टर करता है और उसका 86% पानी थाना और पीरा भयंदर को जाता है, सिर्फ 14% पानी हमारे यहाँ आता है जो फिल्टर होके पानी आता भी है तो 14% आता है, 14% हमको पूरा नहीं होता, रॉ वाटर पानी हम लोग पीते। पूरे शहर में पानी का मसला है, पूरे हिंदुस्तान में अकलौता शहर है जहाँ रात में पानी आता है, पानी मिल नहीं रहा है। और 100 ml पानी हमारे नेताओं ने 2013 में पास किया था,
वो पैदल चल के आ रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं, कब पहुंचेगा। 2011-12 में सुना गया डैम बन रहा था, डैम भी आज तक पैदल ही चल रहा है, डैम भी बन नहीं पाया। बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, क्यों वजह, क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, हमारे सोने की वजह से लोग जाग रहे हैं। अब सराटा हाउस की क्या बात करूं, शहर में बीओटी सिस्टम है, ये लोग का बिल्ड ऑन और ट्रांसफर सिस्टम, वो सिस्टम लाए है मनपा ने, सब बीओटी दूसरे को दे दो, अपनी जमीनें दूसरे को दे दो और कराओ, बीओटी भी नहीं दे पा रहे हैं। मनपा अगर 8 से 10 करोड़ रुपया खर्चा कर दे तो सराटा हाउस मॉडर्नाइज हो जाएगा, मगर इनके पास पैसा नहीं है, दूसरे कामों के लिए इनके पास बहुत पैसा है, ईगल वालों के लिए बहुत पैसा है, ईगल की बिल बहुत फटाफट क्लियर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कमी नहीं है, 1000-1200 करोड़ रुपए का हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू वेब सीरीज बना रहे हैं लोग, ईगल वाले की वेब सीरीज बना रहे हैं कि ड्रेनेज नाम की चीज खत्म ही ना हो, अभी तक 1 लीटर पानी भी नहीं बहा, 4-5 साल हो गया पाइप में, 5 साल हो गए ना ईगल को आए हुए, माशाल्लाह वो कमाई करते जा रहे हैं। मैं पावर लूम पे आता हूँ, विलासराव देशमुख अभय योजना करके एक थी, 31 दिसंबर तक लोगों ने भरा, 31 दिसंबर तक, अभी अगर वो कंटिन्यू हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोड खत्म हो जाएंगे। पावर लूम में हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं यान फ्लक्चुएशन से, रेट कल सुबह कुछ रात में कुछ, कम से कम 1 महीना स्टेबल रेट रहे या कुछ टाइम तक स्टेबल रहे तो वो मामला चलते रहे। संजीवनी योजना आई थी शहर में, उसमें लोग बहुत खुशहाल हुए थे, तो मुद्दे बहुत सारे हैं, मगर हमको लगना पड़ेगा, हमको चीजें करना पड़ेगा। शहर हम लोगों ने उन लोगों के हाथ में दे दिया जिनको अपने पेट भरने से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, शहर उनको उन्हीं के हाथों में दे दिया है, वो लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते। हम लोगों ने एक शुरुआत की है, ईस्ट में हम लोग काम कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे आमदार साहब भी वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम और हमारी टीम वेस्ट की तरफ आई है, वेस्ट में अभी ऑफिस खोले हैं हम लोग, वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, उद्यम लाइसेंस, शॉप लाइसेंस, वो बेवा योजना, बच्चों की यतीम बच्चों की योजना, जितनी स्कीमें सब रन कर रहे हैं, हम लोग स्टाफ रखे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा इरादा है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाएंगे और लोगों के काम करेंगे, खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, मेडिकल कैंप्स करेंगे, वोटर आईडी कैंप्स करेंगे, हम लोग बहुत सारे कैंप करेंगे इंशाल्लाह, मगर ये सब पॉसिबल है आपके ताउन से, आपके आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। और रही बात इलेक्शन की, तो इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, आप लोग साथ दोगे तो अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत कुछ बदल जाएगा सिस्टम इंशाल्लाह। शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।